हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन सुपर जीके ट्रिक। आज के वीडियो में हम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये आपका पार्ट 6 है, इसके 5 पार्ट हो चुके हैं जिसमें आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बताए गए हैं। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं रिलेटिव स्पीड के बारे में। रिलेटिव स्पीड होता क्या है और इस फार्मूले पे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में लगभग पूछे ही जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए शुरू से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपकी कोई दूरी है, ये मान लीजिए आपके दो बिंदु हैं ए और बी। इसकी दूरी मान लीजिए कितना है, 5 किलोमीटर। कितना भैया? 5 किलोमीटर। अब इधर से कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति जा रहा है, वो एक्स किलोमीटर मान लीजिए 3 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, और इधर से एक व्यक्ति जा रहा है, उसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए वो किसी पॉइंट पे मान लीजिए मिलना है उनको। अब वो कितने मिनट में मिलेंगे आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं कैसे मिलेंगे। ये 1 घंटे में भैया कितनी दूरी तय करेगा? देखिए स्पीड जब 3 है, 1 घंटे में ये 3 किलोमीटर चलेगा और ये 2 किलोमीटर चलेगा। तो ये जो पॉइंट है इस पर मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे? 1 घंटे के बाद। मतलब टाइम क्या लगा? 1 घंटे। तो इसी तरह से आप अब मान लीजिए इसको आप बदल दीजिए, 2-3 कर दीजिए, तब भी वही सेम काम हो रहा है इसमें। अगर आप फिर से इसको 4 और 1 कर देंगे तब ये 1 किलोमीटर चलेगा और तब ये 4 किलोमीटर चलेगा। तो इसमें समझने वाली बात क्या है भैया, देख लीजिए। अब देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है। मान लीजिए एक व्यक्ति यहां पे है, एक व्यक्ति यहां पे, ये दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, एक दूसरे की तरफ। मान लीजिए इसकी स्पीड है S1, इसकी स्पीड है S2। तो अब इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? तो इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, जो रिलेटिव स्पीड होगी S1 प्लस S2। क्योंकि देखिए इसको हम जोड़ रहे थे, यहां समझाने का मतलब यही है, 3 प्लस 2 5 हो रहा था भैया। तो यहां से इसकी रिलेटिव स्पीड, जब ये एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो S1 प्लस S2 हो जाएगा। और इसी में एक पॉइंट आपको और समझना है, अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब कि मान लीजिए कोई व्यक्ति चोरी करता है और वो यहां पे कोई पॉइंट एक्स से इसी तरफ भागता है, उसके बाद फिर पुलिस भी उसी तरफ चल रही है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? तो इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, S1 माइनस S2। ये मान लीजिए S1 और ये S2 इसकी स्पीड है, ये आपका पहला है और ये दूसरा है। तो भैया इसी पे जो है पूरा क्वेश्चन होने वाला है। तो आप ये फार्मूला नोट कर लीजिए, ये है अपोजिट डायरेक्शन और ये है आपका सेम डायरेक्शन। सेम मतलब एक ही दिशा में, जैसे एक ही दिशा में चलेगा, और अपोजिट मतलब एक दूसरे की तरफ जब जाएंगे। तो ये फार्मूला आपका नोट कर लीजिए, इसी पे सारे क्वेश्चन होंगे। फार्मूला आपका मेन वही लगेगा। फार्मूला आपके क्या है, चाल बराबर क्या होता है भैया? दूरी बटे समय। तो सारे क्वेश्चन इसी पे लगेंगे। तो चलिए अब इसको आप लोग नोट, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक चोर एक कार 1:30 बजे चुराता है और 40 मीटर पर आवर की चाल से कार से भागता है। मतलब 40 मीटर पर आवर चाल से भागता है, तो कार का मालिक 2 पीएम पर 50 मीटर पर आवर चाल से पीछा करता है, तो चोर कितने घंटे में पकड़ा जाएगा? मतलब कि अब इसमें क्या हो रहा है देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, एक चोर जो है 1:30 बजे कार चुराता है, मान लीजिए चोर है 1:30 बजे कार चुराता है। अब ये यहां पे मान लीजिए ये 2 बज रहा है, ठीक है 2 बजे हैं। अब देखिए क्वेश्चन बोलो बहुत कठिन लगेगा, लेकिन ये बहुत ही आसान है। एक चोर एक कार 1:30 बजे चुराता है और 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागता है। देखिए भैया इसकी दूरी कितना है, 1/2 आवर्स है। देखिए 1:30 बजे चुराता है, 2 बजे जो है मालिक यहां से पीछा करेगा इसका। तो कार का मालिक जो है, ये चोर है आपका और ये यहाँ पे इसका कार का ऑनर है यानी मालिक है। तो अब यहां से चोर जो है यहां से आधे घंटे में कितना भागेगा आपको बताना है। सबसे पहले आप इसकी आधे घंटे की दूरी निकाल लीजिए,
तो आधे घंटे में कितना दूरी तय करेगा? आधे घंटे में भागेगा 40 किलोमीटर चाल से, तो यहां से देखिए ये 20 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा, क्योंकि आपको पता है डी इक्वल टू डिस्टेंस को स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है? 40 है। टाइम कितना? आधे घंटे, 20 किलोमीटर। अब आपसे पूछ रहा है 2 बजे 50 किलोमीटर आवर चाल से पीछा करता है। अब इसमें रिलेटिव स्पीड क्या होगी? दूरी तो आपको पता चल गई, अब रिलेटिव स्पीड पता चल जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये चोर है और ये कार का मालिक है। अब देखिए क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या होगी भैया? घट जाएगी, क्योंकि आपको पता अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ता है और विपरीत सेम डायरेक्शन में घट जाएगा। तो देखिए 50 किलोमीटर और 40 किलोमीटर से घटाएंगे आप, कितना आएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब आप यहां से देखिए कितने घंटे पड़ जाएगा, टाइम आप निकाल सकते हैं। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपान स्पीड। आपको पता है डी इक्वल टू एस टी। यहां से देखिए टाइम निकालना है आपको। डिस्टेंस कितना है भैया? 20 है और स्पीड कितना है? 10 है। 10 × 20 यहां से 2 आवर्स क्या हो गया? ये आपका टाइम हो गया। तो देखिए एक बार दोबारा देख लीजिए। अब इसको क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे? एक चोर एक कार 1:30 बजे चुराता है और 40 किलोमीटर/आवर की चाल से कार से भागता है। कार का मालिक जो है 2 बजे 2 PM पर 50 किलोमीटर/आवर की चाल से पीछा करता है। तो देखिए दोनों के बीच गैप कितना है भैया? आधे घंटे का गैप है। आधे घंटे गैप यहाँ पे है। अब आधे घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा? उतना ही तो आगे रहेगा मालिक से। तो आधे घंटे में जो है ये 40 किलोमीटर/आवर स्पीड चलेगा। तो आधे घंटे में 40 यानी डी इक्वल टू, आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से स्पीड है 40, टाइम कितना है? आधे घंटे है। तो यहां से 20 किलोमीटर आ गया। फिर देखिए यहां से फिर अब रिलेटिव स्पीड, ये आपकी क्या है? रिलेटिव स्पीड है। तो यहां से इसको आप सॉल्व करेंगे तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां से आप आ गए 2 घंटे, यही आपका आंसर है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नोट कर लिया गया है। देखिए पी तथा क्यू ए तथा बी से एक दूसरे की तरफ चलना आरंभ करते हैं। पी तथा क्यू, अब ये मान लीजिए यहां पे पी है और यहां पे है क्यू। जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे करते जाना है। पी तथा क्यू दूसरी तरफ चलना आरंभ करते हैं। चाल क्रमशः 20 किलोमीटर/आवर तथा 30 किलोमीटर/आवर रहती है। इसकी चाल कितनी रहती है भैया? इसकी चाल रहती है 20 किलोमीटर/आवर और इसकी चाल रहती है 30 किलोमीटर/आवर। अब आपसे क्या कह रहा है आगे? जब दोनों मिलती हैं तो एक दूसरे से 40 किलोमीटर दूरी अधिक तय कर चुकी होती है। मान लीजिए यह इसका मीटिंग पॉइंट है। अगर अब ये मान लीजिए 40 किलोमीटर चलता है तो ये कितना चलेगा? 40 किलोमीटर अधिक x प्लस 40। लेकिन देखिए इसमें समय की बात नहीं की गई है, मतलब टाइम उतना ही रहेगा जितना दोनों को चलना है। मतलब कि अगर मान लीजिए ये 1 घंटे चलेगा तो ये भी 1 घंटे चलेगा, अगर ये 2 घंटे चलेगा तो ये भी 2 घंटे चलेगा। तो देखिए यहां से ए से बी की दूरी, ये आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस बताना है। तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? x प्लस 40। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। यहां से क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखिए दोनों का देखिए समय बराबर है। तो यहां से इसको मान लीजिए t1 और इसको मान लीजिए t2, तो t1 इक्वल टू t2 हो जाएगा। समय बराबर क्या होता है भैया? दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो इसको आपने x माना यहां से यहां तक, ये x है यानी x बटे स्पीड कितना है भैया? दूरी बटे चाल, स्पीड है 20। फिर यहां से दूसरे की चाल कितना है? x प्लस 40 अपान स्पीड कितना है भैया? यहाँ पे है 30। अब इसको हम चाल सॉल्व करेंगे। तो देखिए चाल दोनों में 20 और 30 है, 0 से 0 काट सकते हैं आप। यहाँ से हो जाएगा 3x, यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 2×4 80 हो जाएगा। तो 3x बराबर 2x प्लस 80। अब 3x में से 2x घटाएंगे क्या आएगा? x बराबर 80। तो ये क्या आ गया? ये आपका देखिए यहां से यहां तक की दूरी है। आपसे पूछ रहा है ए से बी तक की दूरी, ए से बी तक की दूरी क्या हो जाएगी भैया? x, यहां से x प्लस 40 है। तो दोनों को जोड़ लेंगे
तो जो दूरी है निकल जाएगी, यानी डी बराबर क्या हो जाएगा, यहां से एक्स प्लस 40, सॉल्व करिए इसको, 2x प्लस 40, तो यहां देखिए 2x, 2x का मान कितना 80 प्लस 40, यहां से 80 दूना 160, 160 में 40 जोड़ेंगे आप कितना आ जाएगा 200 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना भैया 200 किलोमीटर। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए शुरू से कैसे किया गया, P तथा Q मान लीजिए कोई दो व्यक्ति है A तथा B से एक दूसरे की तरफ चलना आरंभ करते हैं, चाल इनकी 20 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर है। तो अब आपको बताया जब दोनों मिलती है तो एक दूसरे से 40 किलोमीटर की दूरी अधिक तय कर चुका होता है, मतलब अगर ये x दूरी चलेगा तो x प्लस 40 चलेगा, अगर ये x प्लस 30 चलेगा तो x प्लस 70 चलेगा, मतलब 40 ऐड हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, यहां से फिर यहां से देखिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो x बटे 20 बराबर x प्लस 40 अपान 30, इसको सॉल्व करें तो यहां से आ गया x बराबर 80 किलोमीटर। अब ये दूरी पूरी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि देखिए ये x दूरी चल रहा है x प्लस 40 चल रहा है, तो a से b तक की दूरी लिए d बराबर x प्लस 40, दोनों को जोड़ लेंगे, जहां पे x है वहां पे क्या रखेंगे 80 रख देंगे, तो 80 दूना 160 प्लस 40, 160 में 40 जोड़ेंगे कितना आएगा 200 किलोमीटर, यही आपकी ए से बी तक की दूरी है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए एसएससी एफसीआई में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक लड़का अपने घर से अपनी साइकिल से प्रातः 10 बजे 12 किलोमीटर घंटे की गति से चलता है, उसका बड़ा भाई अपने स्कूटर से 1 घंटा 15 मिनट बाद उसी रास्ते से चलकर अपराहन यानी शाम को 1:30 पर उस लड़के को पकड़ लेता है, तदनुसार स्कूटर की गति किलोमीटर पर घंटे में होगी, मतलब कि आपको स्कूटर की गति बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखिए जैसे जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले आपसे कह रहा है एक लड़का अपने घर से अपनी साइकिल से प्रातः 10 बजे 12 किलोमीटर घंटे की चाल से चलता है, उसका बड़ा भाई अपने स्कूटर से 1 घंटे 15 मिनट बाद उसी रास्ते से चलकर अपराहन 1:30 पर उस लड़के को पकड़ लेता है। लड़का घर से कितने बजे निकल रहा है भैया, 10 बजे, यहाँ लिखिए 10 बजे, और उसको कब पकड़ा जा रहा है 1:30 पर। तो देखिए अब टोटल कितना टाइम है, सबसे पहले आप टाइम निकाल लीजिए, तो ये टाइम है देखिए 10, 2, 12 और 1:30 जब आप उसमें जोड़ देंगे तो 3:30, यही आपका क्या हो गया टाइम हो गया, तो टाइम आपका निकल गया। अब देखिए लड़के की स्पीड कितना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो लड़के की स्पीड जो है 12 है, तो अब हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस आपका आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, जीएसटी से इसको आप याद कर सकते हैं, देखिए जीएसटी वैसे डीएसटी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए टाइम आपको पता है 3:30, अब देखिए इसको कन्वर्ट करना सीख लीजिए, जैसे अब 3:30 है, ठीक है भैया, अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, देखिए 3:30 कर देते हैं इसको, 30 एकम 30, 30 दूना 60, ये हो गया 3 से 1/2, यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए इसको लिख सकते हैं आप 2 3 6 1 7, 7/2, तो इसको आप लिख सकते हैं 7/2, तो देखिए टाइम आपका है 7/2 और स्पीड क्या है, स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको 2 से काट दीजिए, 2 6 12 6 7 42, तो डिस्टेंस हो गया आपका 42 किलोमीटर, यहां से देखिए डिस्टेंस आ गया। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अब कह रहा है प्रातः 10 बजे 12, यहां तो ठीक है उसका बड़ा भाई अपने स्कूटर से 1 घंटे 15 मिनट बाद उसी रास्ते से चलकर अपराहन 1:30 पर उस लड़के को पकड़ लेता है, मतलब कि 1 घंटे 15 मिनट बाद वो चलेगा, तो इसका मतलब है टोटल टाइम कितना है 3:30, तो यहां देखिए उसके बड़े भाई द्वारा स्कूटर से
समय, मतलब कि बड़े भाई द्वारा लिया गया समय। तो समय कैसे निकालेंगे आप, देखिए बड़े भाई द्वारा लिया गया समय, तो सबसे पहले टोटल टाइम कितना है, 3 घंटे 30 मिनट, और वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है 1 घंटे 15 मिनट बाद। तो यही घटा देंगे इसमें से, देखिए 30 में से 15 घटाएंगे आप 15 आ जाएगा, और 3 में से घटाएंगे देखिए 2 घंटे 15 मिनट वो जर्नी अपनी करेगा उसका बड़ा भाई, ठीक है। तो देखिए अब इसको भी चेंज कर लीजिए, यहाँ से चेंज 15 चौको 60, यहाँ से देखिए 2 सही, इसको लिख देते हैं आप 15/7, तो यहाँ से हो जाएगा 15 एकम 15, 15 चौको 60, 2 सही 1/4, तो यहाँ से 4 2 8 9, 9/4। अब देखिए तो आपसे पूछ क्या रहा है, बड़े भाई द्वारा स्कूटर की गति, तो स्कूटर की गति यानी आपसे पूछ रहा है स्पीड, पूछ रहा है तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है भैया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपने निकाला हुआ है 42 किलोमीटर, कितना निकाला हुआ है 42 किलोमीटर, और टाइम आपने अभी भी निकाल लिया 9/4 आवर्स। अब देखिए इसको सॉल्व करिए आप, तो 42 गुणे, देखिए 4 ऊपर चला जाएगा, 4/9। अब देखिए 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 1 3, 3 4 12, तो यहां से जाएगा 56/3। अब इसको चाहे आप और छोटा कर लीजिए, और छोटा कर लेते हैं, देखिए यहां से हो जाएगा 3 1 3, हाँ यहां से देखिए इसको 2 बचेगा, फिर 3 8 24 हो जाएगा यहां से, फिर 2 18 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर हो जाएगा 18 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये है 18 सही 2/3, तो इसका मतलब आपका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या क्या किया गया, एक बार स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए, तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो देखिए एक लड़का अपने घर से अपनी साइकिल से 10 बजे 12 किलोमीटर/घंटे की गति से चलता है, उसका बड़ा भाई अपने स्कूटर से 1 घंटा 15 मिनट बाद उसी रास्ते से चलकर प्राण 1.5 पर उस लड़के को पकड़ लेता है, तदनुसार स्कूटर की गति किलोमीटर/घंटा में होगी। तो मतलब आपको स्कूटर की गति बताना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर आपको दोनों के बीच जितना समय लिया गया पता चल जाए तो वहां से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो 10 बजे लड़का चल रहा है और 1:30 बजे पकड़ा जा रहा है, तो इसके बीच का टाइम टोटल कितना है, 3 घंटे 30 मिनट। तो देखिए समय आप यहाँ पे लिख देंगे, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 12 किलोमीटर/घंटे है, तो 2 × 12 = 6, 7 = 42, तो डिस्टेंस आ गया 42 किलोमीटर। अब बड़े भाई द्वारा लिया गया समय, वो 1 घंटे 15 मिनट बाद अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, तो देखिए 3 घंटे 30 मिनट टोटल है, 1 घंटे 15 मिनट आप घटाएंगे तो यहाँ से आएगा 2 घंटे 15 मिनट। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा, 2 से 1/4, यहाँ से आएगा 9/4। तो देखिए इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है, जो ये 15 है ये मिनट होता है, तो इसको आप अपान 60 करेंगे तो ये घंटे में चेंज हो जाएगा, तो 15 चौको 60, 4 2 8 8 1 9, 9/4। अब देखिए आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर आप फार्मूला भूल जाते हैं तो आपको पता है GST वैसे ही DST होता है, TST, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ से स्पीड इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ से 42 सही 9/4, जो समय आप रख दीजिए यहाँ से, इसको सॉल्व करेंगे 18 सही 2/3 किलोमीटर/घंटे आ जाएगा, यही आपका आंसर है। आई होप गाइस क्लियर होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन है यदि एक व्यक्ति इंजन की गति 5 किलोमीटर/घंटे बढ़ा दे तो 300 किलोमीटर की दूरी के लिए 2 घंटे कम समय लगता है, तो उसकी सामान्य चाल क्या है। देखिए अलग टाइप है, इसमें आपको ध्यान रखना है डिस्टेंस इक्वल टू होता है S1 × S2, यानी कि जो दो चाल है उनका मल्टीप्लाई मतलब गुणा, और डिफरेंस ऑफ स्पीड और डिफरेंस ऑफ टाइम,
देखिए इससे आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, देखिए S1 इंटू S2 यानी कि जो पहली चाल है और जो दूसरी चाल है। तो देखिए एक व्यक्ति इंजन की गति 5 किलोमीटर पर घंटे बढ़ा दे, यानी मान लीजिए चाल बराबर, यानी ये माना चाल बराबर यक्स किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से जाएगा देखिए S1 तो हो जाएगा यक्स किलोमीटर पर आवर, यहाँ से S2 हो जाएगा यक्स प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए आगे बढ़ जाइए, डिफरेंस ऑफ स्पीड देखिए x प्लस 5 में से x आप घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। देखिए जब डिफरेंस निकाल देता हूँ, x प्लस 5 माइनस x करेंगे, x से x कट जाएगा, क्या बचेगा 5, तो यहाँ से 5 आ जाएगा। डिफरेंस ऑफ टाइम तो 2 घंटे कम समय लगता है, मतलब यही आपका क्या है टाइम है। और डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस कितना है भैया, डिस्टेंस आपको दिया गया है 300 किलोमीटर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से 2 घात सेकंड बनेगा x स्क्वायर प्लस 25, x स्क्वायर प्लस यहाँ से देखिए 5x हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2 से इधर ये 300 कटेगा तो यहाँ से जाएगा 150। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा ये 15×5 75, 750 हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x, इसको इधर भेजिए प्लस में तो माइनस में हो जाएगा -750 = 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, द्विघात समीकरण है तो देखिए यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा है, तो इसका मतलब ऐसी संख्या से गुणा या 5 को ऐसी संख्या में तोड़ना है ताकि घटाने पे 750 आ जाए, यानी गुणा करने पे। तो देखिए 30 और 25 का गुणा जब आप करेंगे 750 आएगा, और घटाएंगे तो 25 आएगा। अगर आपको नहीं आ रहा 750 का एलसीएम निकालिए पूरा, उसके बाद उसका पेयर बनाइए, फिर वहां से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ से देखिए x स्क्वायर प्लस यहाँ से जाएगा 30x माइनस 25x माइनस 750 = 0, यहाँ से हो जाएगा x प्लस 30 माइनस 25, यहाँ से x प्लस 25 तो यहाँ 75 30 हो जाएगा। और देखिए यहाँ से x प्लस 30 x माइनस 25 बराबर 0, यहाँ से देखिए x प्लस 30 x बराबर माइनस 30 नहीं लिया जाएगा, x बराबर माइनस 25, यहाँ से जाएगा x बराबर 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपकी क्या हो जाएगी ओरिजिनल सामान्य चाल हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। तक समझ में आ गया होगा। देखिए स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 6 चल रहा है, इसमें अब हमको लग रहा है लगभग सभी तरह के क्वेश्चन हो गए हैं। तो अगर आपका कोई भी तरह क्वेश्चन छूटता है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। लगभग आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है, तो अब नेक्स्ट वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किस चीज़ का बनाया जाए। तो आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपका वीडियो अच्छा लगा है लाइक कमेंट जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखना।